हाय एवरीवन वेलकम टू जेके एस एस बी एम एस में आपका फिर से बहुत सारा स्वागत है दोस्तों आज हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो एस एस सी एंड रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आज हम इसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चनस होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे आपके जेके एस एस बी एग्ज़ाम के लिए इतने क्वेश्चन मिनिमम आपको करके ही जाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट ऑफ असम कैन बी डिस्क्राइब एज जो असम का क्लाइमेट है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे ऑप्शन ए सब ट्रॉपिकल ह्यूमड क्लाइमेट ऑप्शन बी माउटेन क्लाइमेट ऑप्शन सी ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट ऑप्शन डी ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट द क्लाइमेट ऑफ असम जिसको हम ट्रॉपिकल मानसून रेनफॉरेस्ट क्लाइमेट कहते हैं दर्म मानसून इज डिराइव फ्राम डैश जो मानसून टर्म है उसको कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है ऑप्शन ए इटालियन वर्ड ऑप्शन बी लैटिन वर्ड ऑप्शन सी अराबिक वर्ड ऑप्शन डी ग्रीक वर्ड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अरेबिक वर्ड जो टर्म मॉनसून है उसको अरेबिक वर्ड मौसम से ड्राइव किया गया है खरीफ सीज़न इन इंडिया लार्जली कॉन विद जो खरीफ सीजन है इंडिया में जिसमें राइस वगैरह की खेती की जाती है वो इनमें से किस मॉनसून के साथ मेल खाता है ऑप्शन ए साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून ऑप्शन बी साउथ ईस्ट मानसून ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स, ए साउथ वेस्ट मॉनसून, जो इंडिया का खरीफ सीजन है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से मेल खाता है क्लाइमेट इज ह्यूमिड एक्टोरियल क्लाइमेट में किस टाइप की रेन पाई जाती है ऑप्शन ए साइक्लोनिक बी माउंटेनियस सी कन्वेक्शनल एंड फ्लक्चुएटिंग एंड साइक्लोनिक राइट आंसर इज ऑप्शन सी कन्वेक्शनल रेन कन्वेक्शनल रेन में बेसिकली होता क्या है जो एक यूटर रीजन में सन्स की रे जो होती है वो वर्टिकली फॉल करती है जिससे लैंड और सी की जो सरफेस है वो ज़्यादा हीट करती है जिससे ज़्यादा वाटर वेपर बनते हैं और ये वाटर वेपर ऊपर जाके एक्सपेंड हो जाते हैं और फिर कोल्ड ऑन होके क्लाउड्स बन जाते हैं थ्रू कन्वेक्शन जिससे हमें एक्यूटर रीजन में आफ्टर एवरी आफ्टरनून रेन देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेडिटेरियन रीजन इज नोन फॉर हैवी रेन जो मेडिटेरियन रीजन है उसमें कौन से सीजन में ज्यादा रेन देखने को मिलती है ऑप्शन ए इन स्प्रिंग सीजन ऑप्शन बी इन ऑटोमन ऑप्शन सी इन विंटर एंड ऑप्शन डी इन समर फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन विंटर मेडिटेरियन रीजन में जो ज्यादा बारिश है वो विंटर्स में देखने को मिलती है अनसोर ब्रीज डिवेलप सिंह जो अनसोर ब्रीज है वो कब डिवेल्प होती है ऑप्शन ए डे ऑप्शन बी नाइट ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी सीजन राइट आंसर इज ऑप्शन ए डे टाइम आनसोर ब्रिज वो ब्रिज होती है जो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है जिसको हम सी ब्रिज भी बोलते हैं राइट आंसर इज ऑप्शन ए डे आंसर ब्रिज जो है वो डे के टाइम डेवलप होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंड ब्रिज इज ए कोल्ड ब्रिज बिच फ्लोज फ्रॉम लैंड टू डैश लैंड ब्रिज वो ठंडी हवा होती है जो फ्लो करती है फ्रॉम लैंड टू डैश ऑप्शन ए सी ऑप्शन बी फॉरेस्ट ऑप्शन सी डेजर्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ हदीज दी राइट आंसर ऑप्शन ए सी सी लैंड लैंड टू जो ब्रीज होती है वो एक ठंडी हवा होती है जो फ्लो करती है फ्रॉम लैंड टू सी हाउ कैन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बेस्ड रीजन बी डन जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की रीजन बेस्ड कैसे की जाती है ऑप्शन ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्यूटर ऑप्शन बी हाइट ऑप्शन सी रेन एंड ऑप्शन डी डिस्टेंस फ्रॉम सी राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्यूटर बेसिकली होता क्या है जैसे हम एक से दूर जाते हैं जो सोलर रेडिएशंस होती है इंसुलेशन जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है जिससे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है और फाइनली रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाता है सो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन पिलर्स ऑफ क्लाइमेट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्यूटर विच the द फॉलिंग changes its डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन इनमें से ऐसी कौन सी बीड है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है विद द चेंज ऑफ सीजन ऑप्शन ए रैकरिंग ट्रैप्ड बीड्स ऑप्शन बी मॉनसून बीन्स ऑप्शन सी पोलर बीड्स एंड ऑप्शन डी साइक्लोनिक बीड्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी मॉनसून बीड जो होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है विद द चेंज ऑफ सीजन राइट आंसर इज ऑप्शन बी मानसून बीड्स ड्राई बीन्स ब्लोज इन सहारा डेजर्ट फ्राम जो ड्राई बीड होती है वो सहारा डेजर्ट में कौन सी डायरेक्शन में ब्लो करती है ऑप्शन ए साउथ टू नॉर्थ ऑप्शन बी ईस्ट टू वेस्ट एंड ऑप्शन सी वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑप्शन डी नॉर्थ टू साउथ फ्रेंड्स द राइट आंसर जो ऑप्शन बी ईस्ट टू वेस्ट जो सहारा डेजर्ट में ड्राई बीन्स होती हैं वो ब्लो करती हैं फ्राम ईस्ट टू वेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिले विले ऑप्शन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी अर्थक्यूक ऑप्शन सी हाईटाइड एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर इंडिया फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन नियर ऑस्ट्रेलिया जो विले विले है एक साइक्लोन है नियर ऑस्ट्रेलिया टाइफून कम सीन टाइफोन इनमें से कौन सी जगह देखने को मिलता है ऑप्शन ए मैक्सिकन गुल्क ऑप्शन बी इंडियन ओशन ऑप्शन सी आर्कटिक ओशन एंड ऑप्शन डी चाइना एंड जापान सी राइट आंसर इज ऑप्शन डी चाइना एंड जापान सी टाइफून जो है वो चाइना एंड जापान सी में देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर द फॉलोइंग रीजन इट रेंस थ्रू आउट द एयर इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें पूरे साल बारिश देखने को मिलती है ऑप्शन ए मेडिटेरियन, बी एक्टोरियल सी ट्रॉपिकल एंड डी टेम्परेट राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्टोरियल फ्रेंड्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इक्टोरियल रीजन में थ्रू आउट द एयर बारिश देखने को मिलती है द प्रडिक्शन ऑफ स्ट्रॉम इज मेड बैन एटमोस्फिक प्रेशर ऑप्शन ए राइज सडनली ऑप्शन बी राइज ग्रेजुअली ऑप्शन सी डिक्रीज सडनली एंड ऑप्शन डी डिक्रीज ग्रेजुअली स्टॉम की प्रडिक्शन कब की जाती है जब एटमोसफिक प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है दी राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिक्रीज सडनली नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन डिक्लाइन इन एटमोस्फिर प्रेशर इंडिकेट अगर एटमोस्फिर प्रेशर सडनली डिक्लाइन हो जाएगा तो इनमें से किसके इंडिकेशन हैं ऑप्शन ए क्लियर वेदर ऑप्शन बी स्ट्रॉम ऑप्शन सी रेन एंड ऑप्शन डी कोल्ड वेदर राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रॉ हैज वी ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्वेश्चन द सडन डिक्लाइन इन एटमोसफिर प्रेशर इंडिकेट्स द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉम वट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड ब्रस्ट क्लाउड ब्रस्ट जिसको हम बादल का फटना भी बोलते हैं उसका क्या मीनिंग है ऑप्शन ए अपेयरेंस ऑफ क्लाउड इन स्काई ऑप्शन बी वेरी हैवी रेन विद हैवी स्टॉम ऑप्शन सी सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स इन क्लाउडी वेदर एंड ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेरी हैवी रेन विद हैवी स्टॉम क्लाउड ब्रस्ट जो आजकल बहुत सारी जगह देखने को मिल रहा जैसे हमने अमरनाथ में देखा बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई क्लाउड ब्रश से दी क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ जो क्लाउड्स हैं वो फ्लोट करते हैं एटमोसफेयर इनमें से किसकी वजह से ऑप्शन ए लो टेम्परेचर बी लो वेलोसिटी, ऑप्शन सी लो प्रेशर एंड ऑप्शन डी लेस डेंसिटी राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी क्लाउड्स फ्लोट इन एटमोसफेयर रेनफॉल कास्ट बाय इंटेंस इन एक्टोरियल एरिया रेनफॉल जो इंटेंस फॉलोरेशन की वजह से देखने को मिलती है एक्टोरियल एरिया में उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑप्शन बी साइक्लोनिक रेनफॉल ऑप्शन सी फ्रंटल रेनफॉल एंड ऑप्शन डी कन्वेक्शनल रेनफॉल राइट आंसर इज ऑप्शन डी कन्वेक्शनल रेनफॉल जैसे हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में देखा जो एक्टोरियल एरिया में जो सनस की जो रेज होती है वो वर्टिकली फॉल करती है सी पे जिससे ज्यादा होती है और वाटर ज़्यादा ऊपर जाके एक्सपेंड हो जाते हैं और क्लाउड बन जाते हैं थ्रू कन्वेक्शन देयरफॉर हमें एक्टोरियल रीजन में आफ्टर एवरी आफ्टरनून रेन देखने को मिल जाती है द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मासस कॉल्ड रेनफॉल जो कन्वर्जेंस से होता है कोल्ड एयर मासस जब बारह में एयर मासस से मिलाप होता है टकराव होता है तब कौन सा रेनफॉल होता है ऑप्शन ए साइक्लोनिक रेनफॉल ऑप्शन बी ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑप्शन सी फ्रंटल रेनफॉल एंड ऑप्शन डी कन्वेक्शनल रेनफॉल राइट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रंटल रेनफॉल जब कोल्ड एयर मासस बारह एयर मासस से कन्फ्रंट होता है टकराव होता है मिलाप होता है तब हमें फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल स्कॉल रेनफॉल को इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है ऑप्शन ए ल्यूसिमीटर, बी ग्लैक्टोमीटर सी हाइटोमीटर एंड डी हाइग्रोमीटर फ्रेंड्स दी राइट आंसर ऑप्शन सी हाइटोमीटर हाइटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल डैस इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ बैदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल फार्मेशन रेट ऑफ बैदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉयल फार्मेशन इनमें से कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ऑप्शन ए फ्लोरा एंड फोना बी टाइम सी पेरेंट रॉक एंड डी क्लाइमेट फ्रेंड्स दी राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्लाइमेट क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ बैदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल फॉर्मेशन मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आपने लिस्ट वन की कंट्री को लिस्ट सेकंड की लोकल बिंड से मैच करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें वहाँ इसका आंसर क्यूज वहाँ देखने को मिल जाएगा तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग